तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है अविक, और कह सकते हो हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड, कुछ भी कह सकते हो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीपुर दुअर्स, राइट नाउ इट्स 8:56। आपने सुबह के ड्रोन शॉट्स तो देख लिए होंगे। मैं तो 4 बजे के आसपास उठा था, फिर मैं फ्रेश वगैरह होकर बस अपनी एडिटिंग करने के लिए बैठा था। मेरा सुबह से अभी मैं डेटा ट्रांसफर पे लगा रखा है, वो अभी नीचे लगा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। और मैं सुबह सुबह जब मैंने अपना ड्रोन फ्लाई करा है तो भाई आई एम जस्ट लाइक ओ माई गॉड, वाओ क्या व्यू थे, मतलब कि व्यूज आज जस्ट इनसेन, जस्ट नेक्स्ट लेवल। जो सारी फोग जो ट्रीज के अंदर आ रही थी और वहाँ से जो सनराइज हो रहा था भाई साहब, मज़ेदार। ठीक है, अभी वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट तो कर दो कि कैसा लगा सुबह का व्यू। यहाँ पे मेरा सारा डेटा ट्रांसफर पे लगा हुआ है जो कि सुबह से लगा हुआ है और अभी तक कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, 5% हुआ है बस। सो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं भाई कब तक होएगा, और अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होएगा तो आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा। और जब भी आप ये व्लॉग देख रहे हो मतलब बीच में ये गैप हो चुका होगा इस वाले व्लॉग का, सो क्या कर सकते हैं। सो इतने आज का व्लॉग तो स्टार्ट करते हैं, ये तो होता रहेगा, धीरे धीरे आगे करते रहेंगे अपलोड भी। बस यही होता है जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो ना, तो किसी भी दिन अगर आपका ऐसे नेट वगैरह के इशू हो जाता है, कुछ भी इशू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी ऐसे इशूज़ आते हैं तो व्लॉग पेंडिंग हो जाते हैं। जब मैंने कन्याकुमारी टू कश्मीर पूरी करी थी तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, बट कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है लाइफ में, देखो अप डाउन सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं विद दिस। आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स। पहले मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ, एक बार जाके पूछता हूँ अगर कैफे में ब्रेकफास्ट हो गया होगा, क्योंकि अभी मैं जिस जगह पे हूँ ना, ये पूरा ना जंगल के अंदर है बिल्कुल, अभी फॉरेस्ट के बिल्कुल ही नियर बाय हूँ। यहाँ भी ये भी पूरा फॉरेस्ट रीजन है, और तो यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ ना लेट खुलता है। और यहाँ पे अभी रात को इतनी ठंड थी ना, क्योंकि ये ट्रीज़ की वजह से ना इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात को, क्योंकि चारों तरफ मेरे पूरे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, तो रात को एकदम से उनसे ठंडी ठंडी हवा आती है। और रात को सही में मेरे को गैंगटॉक में स्नो में इतनी ठंड नहीं लगी माउंटेन्स पर जितनी मेरे को यहाँ पर कल लगी है। अभी मेरे को कह रहा था कि भैया यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मैंने कहा कितनी होती है, कहता है 12 डिग्री है और 7 डिग्री हो जाएगा रात को, तो मैंने कहा मैं अभी 2 डिग्री से आया हूँ, पर कल मेरे को यहाँ पर उससे ज़्यादा ठंडा फील हुआ है। यहाँ पे मेरी बाइक पार्क है और यहाँ पे इनका एक कैफे है ऊपर। ओ भाई कैफे भी बंद है, शटर ही डाउन है, क्या करूँ मैं, ब्रेकफास्ट कहाँ से करूँ, नो ऑप्शन। आज का जो भी प्लान है घूमने फिरने का, वो सारी चीजें अभी अविक बताएगा जब मैं उसके पास जाऊंगा। उसके पास मेरे को जाना है 11 बजे के आसपास। अच्छा लगता है वैसे मेरे को ना किसी स्ट्रेंजर के साथ घूमना, मतलब कि अभी देखो मैं बिल्कुल ही स्ट्रेंजर के साथ घूम रहा हूँ जिससे मैं आज तक कभी नहीं मिला, बस यूट्यूब के थ्रू। जैसे आप मेरे को देख रहे हो वैसे वो मेरे को देखता है, पर जैसे आप मेरे को जानते हो मैं भी उसको बस वैसे ही जानता हूँ। तो वैसे मिलना किसी से और किसी के साथ घूमना, वाह मज़ा आ रहा है वैसे तो मेरे को, अच्छा लग रहा है, मतलब कि कोई आपके लिए इतना करता है तो अच्छा लगता है। अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिला मेरे को, एग और रोटी, चाय अभी आ रही है, ठीक है खा लेते हैं। ओके सो आई एम लीविंग फ्रॉम हेयर, और यहाँ से अराउंड 10 to 13 मिनट्स का रास्ता है अविक के घर का, पहले वहाँ पे जाएंगे, वो रास्ते में मेरा वेट कर रहा है और फिर आगे चलेंगे। कल रात को तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया था, पर अब ज़रूर दिखाऊंगा। ओ वाइज़र पे थोड़े से मच्छर हैं जो मैं साफ़ करना भूल गया, खैर कोई नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ बॉक्सा फॉरेस्ट की तरफ, जयंती बॉक्सा, और कह सकते हैं टाइगर रिज़र्व है वैसे तो बॉक्सा टाइगर रिज़र्व। तो यहाँ पे अभी ना ड्रोन वगैरह अलाउड नहीं होता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा ना फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है।
तो इसीलिए ड्रोन में नहीं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इस फॉरेस्ट में ना हर जगह अपनी नज़र ना बिल्कुल ना तेज़ रखनी होती है, हर साइड कहीं से भी एलिफेंट आ सकता है। और एलिफेंट के यहाँ पे बहुत सारे किस्से हैं, एलिफेंट ने यहाँ पे कईयों को मारा है। यहाँ पे एक रूल भी है कि अगर आपको एलिफेंट ऐसे रोड पे या कहीं भी मारता है बाहर, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो आपके घर में घुस के मारता है तो आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत बार क्रॉसिंग करते हैं रास्ते में, आपको बहुत बार एलिफेंट की ऐसे पॉटी भी दिखेगी, अभी पीछे भी थी। इधर की साइड रेलवे ट्रैक है, और कल अभी बता रहा था मैं अपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पे एक बार ट्रेन ने एक एलिफेंट और उसका बेबी एलिफेंट, मतलब दोनों को, एक मदर और एक उसका चाइल्ड एलिफेंट का, और वो दोनों कुचल दिए थे। तो कई बार ऐसे आगे ट्रेन के आगे भी आ जाते हैं, तो हर चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना होता है। तो अविक का भी मेरे पास कॉल आया था, और वो कह रहा है कि आप एक बार वापस आ जाओ रास्ते में, मैं रास्ते में खड़ा हूँ। और इसलिए मैं अभी रिटर्न आया हूँ, और यहाँ से वो कह रहा है अभी एक ना ये वाला प्लान कैंसिल करते हैं, आज आपको कुछ अलग चीज़ दिखाता हूँ, मतलब कि अलग इन द सेंस कि कोई ओकेज़न है नेपाली फैमिली का, वो वाला शूट करेंगे। ये है वो पेड़ जहाँ पर आते हैं एलिफेंट, ये जो शिव जी की 2-3 स्टैचू हैं, यहाँ पर आके पूजा करते हैं एलिफेंट्स इनकी। कितनी बढ़िया बात है ना, आके आराम से नीचे झुकते हैं, सूंड से पूजा करते हैं। यहाँ पे था, अच्छा मुझे लगा आप आगे हैं। बताओ फिर कहाँ पे क्या करना है? अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। फिर वहीं से निकलते हैं जयंती बक्सा। जयंती बक्सा भी जा सकते हैं, इधर जयगांव भी जा सकते हैं, मतलब सूचलिंग भी जा सकते हैं, उधर से पास ही है। अच्छा, फेस्टिवल इतनी दूर है क्या? वो डीमा नदी से और 5-6 किलोमीटर। अच्छा, और जयंती बक्सा यहाँ से रास्ता? अच्छा, तो क्या करें फिर? देखिए चलिए उधर ही, अगर हो जाए तो उधर ही चले जाएंगे। ये कौन सी विलेज है? ये है राजा भक्तावा। राजा भक्तावा, अच्छा ये शॉर्टकट है। हाँ, ये शॉर्टकट है। एक मैंने कहीं गारो गारो कुछ सुना है यहाँ पे। हाँ, वो क्या है? गारो बस्ती है। बस्ती है, बस्ती है। तो वहाँ पे क्या है? गारो कम्युनिटी का आदमी रहते हैं। गारो कम्युनिटी तो मेरे ख्याल से मेघालय में है ना? इधर भी है। इधर भी है। ये वेज सूप है, चिकन सूप है? ये तो वेज। ये वेज है। यहीं पे आए थे हम कल, दीमा ब्रिज। अरे टी स्टेट है? हाँ, ये टी स्टेट है। सुंदर लग रहा है ये तो बहुत। यहाँ पे फ्लैट है? हाँ, यहाँ का फ्लैट। उधर पहाड़ों में ऐसे था? इधर तो जमीन ही ऐसा है ना। हाँ, ऐसे होता है। अच्छा है ये। यहाँ पे भी गारो ट्राइब रहती है? नहीं, इधर नहीं रहती है, पर जगह का नाम है गारोपाड़ा। अच्छा, तो उधर ही गारोपाड़ा है। अच्छा, जगह का नाम है बस गारोपाड़ा। हाँ, रहते है। अच्छा, गारो ट्राइब जंगल की है? हाँ, जंगल की। ये जैसे गारोपाड़ा रेलवे स्टेशन है, तो वो आदिवासी टाइप है जो गारो ट्राइब है, तो अभी भी वो वैसे रहते हैं या हमारी तरह रहते हैं? अच्छा, नॉर्मल हो चुके हैं, पहले वो वैसे थे। कुछ कुछ नियमों को मानते हैं। जैसो इस जगह का नाम है कालचीनी, कालचीनी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हर टाइम ट्रश रहता है, और ये आंटी संभालती है? आंटी अकेले संभालती है। अरखा गोरखा मिलन मिलनोत्सव, ये जो बड़ा वाला झूला बना है ना, ये उनका वो ट्रेडिशन के अंदर आता है। ये झूला इतना बड़ा किसके टाइम? दशहरे के टाइम। अच्छा, करें कुछ और ड्रोन रख लेते हैं, अगर मौका मिला तो उड़ा लेंगे, नहीं वहाँ तो बैग में रह जाएगा। ठीक है, चले निकल। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं 10 बजे तक है? ये 1:30 बजे से शोभा यात्रा शुरू होगा। अच्छा, 1:30 से 10। अच्छा, पूरा घूमेंगे शोभा यात्रा। ओके ओके, चलो फिर। इतना बड़ा प्रोग्राम है कि भूटान नेपाल हर जगह से लोग आएंगे। ये हाँ, वेस्ट बंगाल MLA भी आ गए। कालचीनी यहाँ पे नेपाली रहते हैं? नेपाली ज्यादातर। ये बॉर्डर है? हाँ, इधर से भी एक बॉर्डर है, ये भूटान वाला। हाँ, अच्छा, और एक है फुलसिलिंग। अच्छा, दो बॉर्डर है। हाँ, एक तो यहाँ से कालचीनी। हाँ, एक यहाँ से है, एक फुलसिलिंग। हाँ, क्या उधर और थोड़ा रायमटर के उधर से एक रास्ता है। अच्छा, उधर से भी आप जा सकते हैं भूटान। अच्छा, वो थोड़ा ऊबर खाबर है रास्ता। अच्छा, रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है पर रास्ता है। ये क्या कोई शॉर्टकट है? ये वाले, ये फॉरेस्ट क्वार्टर जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनके। हाँ हाँ, तो काफी पुराने लग रहे हैं ना। अच्छा, ये पुल तो बड़ा सुंदर था।
सामने देखिए वाटर पार्क। अच्छा ये लॉज, हाँ लिखा हुआ है बॉक्सर जंगल लॉज, ये बंद हो गया? बंद हो चुका है। अच्छा केस हुआ था ना, क्या केस? बटरफ्लाई प्रोजेक्ट, यहाँ पे बटरफ्लाई को मतलब वो करते हैं। अच्छा यहाँ पे सारी बटरफ्लाईज होती हैं, उसलिए ये पेड़ वगैरह लगाए, ये खुद लगाए हैं बटरफ्लाईज के लिए। हाँ वो रही, वो रही बटरफ्लाई थी ये रही। ये गारो ट्राइब का है? नहीं, ये ऊपर कैसे रहते हैं, मतलब घरों को ऊपर उठा रखा है ना? यहाँ पे हाथियों का डर होता है। हाथी तो, हाथी अच्छा ऊपर वाले पे नहीं आता? अच्छा इसलिए घर को ऊपर बनाया जाता है। कौन सा ये वाला? ये आपका घर है? अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैग नीचे रखना है ना, चाबी देनी है बस। ये पाला हुआ है? हाँ, ये कुछ नहीं कहता? ना, ये कुछ नहीं कहता। चलो बक्सम हाथी तो देखा। बढ़िया। ये पेड़ किस चीज के हैं? ये सुपारी। ले, ले, ले। सुपारी मतलब? सुपारी वो गुटका में जो डाला जाता है ना, गुटका की सुपारी इससे बनती है? अच्छा सुपारी का पेड़। ये सारे बड़े बड़े? हाँ। सारे सुपारी के? हाँ। लगा हुआ यही सुपारी। अच्छा ये सुपारी है? हाँ। ये गुटके में डालते हैं? हाँ। और वो ताड़ी भी है? ये होती है? ताड़ी होता है वो, इसको कहते हैं हम लोग लोकल भाषा में खेजूर गाच। खेजूर गाच, खेजूर गाच मतलब बॉक्स टाइगर रिजर्व। कैसे जाने देते हैं क्या यहाँ से? तो टिकट कटके जाना पड़ता है, लेकिन मैं था ना इसलिए नहीं लगा। अच्छा लोकल की वजह से? नहीं तो टिकट कटते भाई। तो अभी आपको 600-700 रुपये लग जाता। 700 रुपये? अच्छा ये एलिफेंट कॉरिडोर है? हाँ। 23 माइल मंदिर। ओके ये रास्ता जाता जंगल सफारी? इधर भी और इधर। अच्छा इधर भी जंगल सफारी? हाँ। अच्छा इधर गाड़ी अंदर चली जाती है? हाँ, वो जिप्सी का होता है। जिप्सी ये बंदरों के लिए? अच्छा अलग से लगा रखा है? हाँ, क्योंकि नीचे ना आए गाड़ियों से। अच्छा बंदर ऊपर से चले जाते हैं? हाँ, मंकी क्रॉसिंग। हाँ, बढ़िया। और ये सब टीक के पेड़ है? टीक, टीक? हाँ, ये बड़े बड़े पत्ते हैं सारे टीक के। अच्छा टीक प्लांटेशन है। अच्छा राइट जयंती स्ट्रेट बॉक्सा, हमें जयंती जाना है। बॉक्सा में क्या है? अच्छा दोनों साइड सेम है? हाँ, दोनों साइड ही सेम। अच्छा जयंती ज्यादा अच्छा है? हाँ, जयंती में नदी भी है बट अभी सूखा पड़ा है। अच्छा अभी सूखा हुआ है। ओके बाइक कहाँ पे लगानी है? बाइक चलिए जाएगा तो अंदर। हाँ? रिवर में ही? हाँ, अभी तो सूखा हुआ है पूरा। हाँ हाँ ओ उधर कितना बढ़िया लग रहा है। क्या हुआ ऊपर? हाँ। वापस चले? हाँ, बाइक यहाँ पे रखते हैं। ठीक है मैं रख के आता हूँ। हाय साहब क्या सुंदर है पूरी, जब इसमें पानी आता होगा कितनी बड़ी होती होगी ये। जब इसमें पानी फुल हो जाता है? हाँ, अंदर तक चला जाता है घरों में? बहुत बड़ी हो जाती होगी। मैं कल से अविक भाई के साथ घूम रहा हूँ, तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है अविक और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे रहते हैं। अराउंड 1.5-2 साल पहले बात हुई होगी हमारी शायद, है ना? और कह सकते हो हमारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड कुछ भी कह सकते हो। तो 1.5-2 साल पहले मैसेज आया था कि आप कभी यहाँ पे इस साइड आना, तो फिर बिल्कुल हमें आप कभी भी कॉल करना मैसेज करना और मिलेंगे, और मैं आपको यहाँ पे सारी जो भी लोकल, देखो एक लोकल जो अच्छे से घुमा सकता है ना वो कभी भी हम ना खुद नहीं घूम सकते। तो बहुत सारी जगह है जो कि मेरे को पता चली है यहाँ पे आके, बहुत सारी यहाँ की हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गारो ट्राइब्स के बारे में भी बताया था ना, गारो ट्राइब्स बहुत ही आदिवासी वगैरह हैं, वो भी यहाँ पे गारो बस्ती है इनके घर के वहीं पे ही है, वो वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं जो मेघालय में है, वो यहाँ पे भी है। जो भी ये करते हैं, जो भी यहाँ पे इनका प्रोफेशन है, वो ये खुद बताएंगे अब। और बाकी आपके अगर किसी काम आ सके तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है अभी घोष, मैं बॉक्सर टाइगर रिजर्व के अंदर रहता हूँ। मैं राजाभात खा
का निवासी हूँ, और मेरा जैसे कि हम लोग का बिजनेस है टूर एंड ट्रेवल्स का। जैसे आप लोग डुअर्स में कभी भी आ सकते हैं तो हमें एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ये पूरा पैकेज टूर के अंदर आता है, हम लोग सारे कवर करवा देंगे आप लोगों को। ये जयंती बक्सा हो गया, भूटान वगैरह भी हम लोग करवा देंगे, मतलब जहाँ पे जो कुछ भी है ये अपने रह सकते हैं अलीपुर डुअर्स में, है ना, ये सारी चीजें आप खुद कराते हो? खुद करवाते हैं हम लोग। और वैसे मतलब कि मिनिमम कितने दिन का होता है मैक्सिमम? जैसे कि देखिए, अगर आपको पूरा घूमना है मिनिमम आपको 1 वीक लग जाएगा। 1 वीक? हाँ। अच्छा, और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो 20 डेज 30 डेज भी लगेगा, क्योंकि अच्छा मिनिमम 1 वीक तो चाहिए। हाँ, मिनिमम 1 वीक तो चाहिए। अच्छा, क्योंकि जयंती बक्सा है, उसके बाद भूटान वगैरह भी है। अच्छा, फुल सेलिंग? चीलापाता है, फुल सेलिंग। हाँ जी। अच्छा, जलदापाड़ा, चीलापाता, ये सारे। और बक्सा हिल भी है? हाँ जी। और ये वाली हिल कौन सी है जो आपके पीछे? ये भी बेसिकली इधर से ये पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है उससे भूटान चालू हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे भूटान है? हाँ जी, इसके पीछे भूटान है। ओके, और इधर इधर सबके पीछे भूटान? इधर भी भूटान है। ये पहले जो है इंडिया का है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद चाइना। अच्छा, इंडिया, भूटान एंड देन चाइना। एंड देन चाइना। ओके, अच्छा लगा आपसे मिलके। और बाकी आपका नंबर वगैरह डाल दूं क्या? मैं नंबर वही अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई भी अगर किसी भी तरीके से अगर आप आ रहे हो नॉर्थ साइड में वेस्ट बंगाल के और बक्सा वगैरह यहाँ पे आपको घूमने टाइगर रिजर्व वगैरह, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। और बाकी सारी चीजें, और आपके फादर भी टूर गाइड है ना? हाँ, टूर गाइड। इसी फॉरेस्ट में ना? हाँ जी, इसी फॉरेस्ट में इनके फादर भी टूर गाइड है और ये पैकेज देते हैं। अभी तो ये मेरे टूर गाइड बने हुए हैं। ये पूरी जयंती रिवर है एंड दिस इज द जयंती ब्रिज। यहाँ पे इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो जो भी यहाँ पे जब भी बना है। जैसे ये स्टार्ट हुआ था 1915 में और कंप्लीट हो गया था 1916 में अक्टूबर में। और क्या बता रहे थे इसके बारे में, क्या कैसे क्या क्या था सारा? ये पहले एक रास्ता था, भोटे बस्ती कनेक्टेड था इसके साथ, तो अभी धीरे धीरे जब ये टूटा उसके बाद 1903 में एक फ्लड आया था, उसके बाद ये सारा टूट चुका है। अभी ये कनेक्टिंग रास्ता भी था, यहाँ से पहले बस चलता था, वो भी पूरा बंद हो चुका है। अभी धीरे धीरे ये मिट्टी का लेवल ऊपर आ रहा है। अच्छा, और गांव में अभी 1-2 साल के अंदर ये पानी गांव में घुस जाएगा, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ के आदमी को लेके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, ये पूरा? हाँ, पूरा ये उड़ जाएगा जयंती बोल के। खाली वो जो मतलब गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है वही रहेगा, वो SSB, आई थिंक SSB लोग रहेंगे उसमें, और सारा तो चला जाएंगे यहाँ से। बाकी अभी अभी भी जब पानी आता है मानसून में तो सब कुछ पानी के अंदर, सब कुछ पानी के अंदर, ये अंदर भी घुस जाते पानी। अच्छा, इनके घरों में भी? हाँ जी, सारी जगह। यहाँ पे अभी लोग रहते हैं नॉर्मल? अभी तो रहते हैं। अच्छा, अब जब बारिश होता है तब ये भोटे बस्ती के साथ जयंती का कनेक्शन टूट जाता है पूरा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे देखो ऐसे आए हैं, यहाँ पे आप पिकनिक मनाने के लिए, जब तक यहाँ पे पानी नहीं है तो लोग आते हैं। और फिर जब यहाँ पे पानी मतलब कि ये हो जाएगा, जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा फिर क्या होएगा, मतलब जब सूखा होएगा तभी लोग आते हैं? हाँ, और जब यहाँ पे पानी होता है तो तब तो कनेक्शन पूरा टूट जाता है, पूरा कनेक्शन टूट जाता है। भूटिया बस्ती बोल के भी एक जगह है, भूटिया बस्ती। हाँ जी, भूटिया बस्ती मतलब भूटान की बस्ती। अच्छा, वो पूरा कनेक्शन टूट जाता है, वो फिर कैसे कैसे सरवाइव करते हैं? उन लोग पहले से ही खाना वगैरह लेके जाते हैं। अच्छा, अभी तो उनको यहाँ से हटा दे रहे हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, उड़ जा रहे हैं। अच्छा, वो सामने जो है भूटिया बस्ती, वो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। और ये ब्रिज आप बता रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रक के ऊपर एक आदमी बैठ के भी इसके ऊपर से निकल जाता था, इसके नीचे से। हाँ जी। और ये ब्रिज इसके ऊपर था? हाँ, यही वाला था, ये जो था। नहीं, ब्रिज का जो रोड है वो कौन सा था? ये नीचे था। अच्छा, वो नीचे चला गया? हाँ, वो पूरा नीचे चला गया। अच्छा, मतलब वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और मिट्टी ऊपर आ रही है और पत्थर भी। और यहाँ पे जंगल सफारी का क्या चार्जेस है? जंगल सफारी का मेरा दोस्त है, मैं उनको बता रही हूँ, वो कर देगा। यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है, उसके लिए भी अगर आपको कोई कांटेक्ट वगैरह करना है तो कर सकते हो आप। ये जो पेड़ वगैरह दिख रहा है जो मरा हुआ है, ये? हाँ, ये वाला, ये भी है और दूर तक भी है, वो सारे। अच्छा, जो बिजली गिरता है ना? हाँ हाँ, उससे वो गिर के ये पेड़ लोग जल जाते हैं। अच्छा, बिजली से? हाँ जी, ये वाले पेड़। हाँ जी, ये पूरा माउंटेन वाटर है। अच्छा, ये माउंटेन वाटर है। नदी वैसे पूरी सूख चुकी है पर इधर अभी थोड़ा देखो पानी आ रहा है। और ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हो ना मेरे पीछे, जैसे ये है, ऐसे जितने भी गिरे हुए हैं दुनिया भर के पेड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं, आप ये देखो
क्या ये सारे के सारे पेड़ यहाँ पे पूरे के पूरे जो रिवर आती है जब यहाँ पे पहाड़ों से जो भी माउंटेन वाटर आता है तो उसी के अंदर ये बह के आए हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे आके ये रुके हुए हैं। ये पूजा किए हुए है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ये छठ पूजा यहाँ पे होता है। अच्छा इसी नदी में होता है छठ पूजा और ये उसका है। ओके चलो, हाँ वहाँ तक भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी जा सकते हो। वो देखो वो रहे सारे लोग कितनी दूर हैं। हम जा रहे बोटिंग करने ना, कालचीनी निकल जाएंगे अभी। कालचीनी बोटिंग नहीं जा रहे फेस्टिवल पे, और बोटिंग में तो थोड़ा अंधकार हो जाएगा ना। अच्छा अभी क्यों, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में? तो लगभग एक घंटे के आसपास लग जाएगा, क्योंकि हाई रोड में चल के फिर जाना है थोड़ा बहुत। सनसेट का टाइम अच्छा नहीं लगेगा? सनसेट का टाइम थोड़ा अंधकार हो जाएगा। अब देखिए आपको जो पसंद है, आपको जो वहाँ पे, तो हम वहाँ पे तो लाइटिंग होगी ना, वो तो रात को भी आ जाएगा शॉट। हाँ तो ड्रोन से वगैरह तो नहीं उड़ा पाएंगे ना। जिस फेस्टिवल में अभी हम गए थे तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। और अब वो हो गया था क्योंकि उसका टाइम था 1:30, तो उस टाइम तो अभी 12:45 हुए थे, तो अब तो स्टार्ट हो गया होगा। तो फटाफट से चलते हैं और वहाँ पे जाके भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसके अंदर भूटानीज लोग आ रहे हैं और नेपालीज लोग हैं, इंडियंस भी हैं, तो काफ़ी सारी वहाँ पे कम्युनिटी हैं जो कि वहाँ पे आ रही हैं, तो देखने में मज़ा आएगा। और ये जो अब आप फोटोज़ देख रहे हो ये इस ब्रिज की हैं, जो आज से पहले ऐसा दिखता था देखो, और अभी ये देखो कैसा दिखता है। That's all about Jayanti. यहाँ पे भी कोई ट्राइब रहती है नॉर्मल लोग? हाँ बंगाली है यहाँ पे, सारे ट्राइब है, मलयालम भी है कुछ। मलयालम भी है? हाँ। केरला वाले? हाँ। अच्छा केरला वाले भी यहाँ पे रहते हैं? नायडू, अप्पल नायडू बोल के एक आते हैं। हाँ नायडू भी है, नायडू तो वहाँ की है, हैदराबाद। हाँ वही है वो है, और हाँ मुस्लिम भी है कुछ। अच्छा मुस्लिम, हिंदू, बंगाली, नायडू और मलयालम। ये जितना भी आप राइट साइड में देख रहे हो ये सब एलिफेंट से बचने के लिए लगाए हुए हैं, ये सारी ग्रिल्स, ये सारे डंडे। दुआर्स एंटरप्राइजेस, मतलब दुआर्स का मतलब होता है हिली एरिया, बंगाली में कहा जाता है हिली एरिया को दुआर्स। पहाड़ी अंचल। हाँ, वो एकदम प्योर बंगाली में कहते हैं। अच्छा प्योर बंगाली में पहाड़ी अंचल। इट्स ऑन हो गई? हाँ। स्टार्ट हो गया होगा? हाँ, तो कोई भी जा सकता है यहाँ पे? हाँ। बढ़िया लगा बहुत यहाँ पे। हम तो अभी निकल रहे हैं क्योंकि फिर रास्ते में अंधेरा हो जाएगा जंगल में, तो इसीलिए यहाँ से अभी निकलना बहुत जरूरी है। अभी 4:48 हुए और ठंड शुरू हो गई है, ठंडा मौसम हो गया वापस। मोमोज खाने का मन कर रहा है फिर से, कल से हम दो बार तो खा चुके हैं, अब तीसरी बार और कुछ भी ट्राई कर लेंगे आज उनका चाइनीज। भाई साहब क्या हुआ? बाइसन है। क्या है? बाइसन, बाइसन। वो क्या होता है? वो जो जंगली गाय होता है ना, जंगली गाय। हाँ, गड़ू वो कहते हैं उनको, बाइसन आप देख लीजिएगा। अच्छा रास्ते के बीच में है? वो अटैक कर देते हैं। अटैक करते हैं? इसको घुमा लीजिए, अगर ऐसा हुआ सिचुएशन हुआ तो हम लोग भाग पाए। अच्छा भाग पाए जंगली भैंसा। अच्छा तभी सारे मुड़ गए हैं। बाइसन की लोग ही बहुत सी लोग ना, ना बाइसन की दो है, दो ও পায় মোদা ছিল কিন্তু কোন কোনটা ভয়েস কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে কাদাতে ঢুকে যখন ওদের পা সাদা হয়ে যায় গাই। আরে ये community का है सारा सामान है ना। जैसे गोरखा मेला हो रहा है तो मतलब ये किस लिए होता है, मतलब ऐसा क्यों? ये
माने विशेष करके मकर संक्रांति के उपलक्ष में जो माघ महीना में जो हम लोग जो ये करते हैं ना मकर संक्रांति स्नान करते हैं उस समय हम लोग का एक तो गोरखा लोग का एक बड़ा चार्ज है माने त्यौहार है। ये त्यौहार के लिए हम लोग तो डुअर्स में जितने भी हमारे गोरखा समुदाय के बहुत जाति के यहाँ पर 13-14 जाति के आदमी उन लोग को एक जगह समागम करने के लिए हम लोग ये हमने गोरखा माने माघे गोरखा माघे मिलन मेला उत्सव 2024 ये कालचीनी ब्लॉक का प्रथम ये ऐतिहासिक मेला है। इस तरह का माने ये माघ महीना में ये माघे मिलन मेला का यहाँ पर माने कोई पहले कोई नहीं किया था, ये प्रथम बार ही है। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो रहा है अभी? फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मतलब इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मोटिव है हमारे जो यंग जनरेशन बच्चा कच्चा को हमारा जो संस्कृति को पहचानना है, अपना वेशभूषा, अपना ड्रेस, अपना बर्तन खान पान का जो रीति रिवाज है। आगामी कल फिर हम लोग का प्रत्येक जाति में 13-14 जाति में जो अपना खान पान का है कल जो एग्जीबिशन में रहेगा हम लोग का खाना पीना कौन जाति क्या खाता है किसको मैंने पसंद करता है इस टाइप का कल रहेगा। आज तो खाली घर का जो सामान है बर्तन उर्तन ये सब है। अच्छा, कितने दिन तक चलेगा ये? ये आज और कल का है। अच्छा, दो दिन। कल रात 10 बजे समापन होगा इसका। ये सारी अपनी अपनी जाति के लगे हुए अपने जाति के लगे हुए ये आपका ब्राह्मण है ये ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरी और सन्यासी चार जाति का है। अच्छा, खस बोलता है इसको। इसमें आपका ये आपका कामी दामाई सारकी ये तीन तीन है जो एससी संप्रदाय जो भुजाली का काम करते हैं ये सब है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। मेरा घर वहीं पर है। फिर से मोमोज। कल से हम तीसरी बार खा रहे हैं ना, तीसरी बार। मजा आ रहा है इनके मोमोज खाने में, बढ़िया बनता है। और एग नूडल। अगेन रिपीट। चीयर्स। अब ट्राई करेंगे इनकी नूडल्स। जब मोमोज अच्छे हैं तो नूडल्स को ट्राई करने बनती है। बढ़िया है, बढ़िया है। 5:30 बजे वैसे यहाँ पे काफी अंधेरा हो जाता है, ऐसे हर जगह ही हो जाता है ठंड के मौसम में। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। okay. कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। पीछे पीछे निकल जाइए। ठीक है, आज के मुझे फोन करना, लेकिन ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आज मैंने छोड़ दिया अविक को यहीं पे, क्योंकि यार रोज रोज देखो अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे ना खड़ा रहेगा बेचारा, मेरे को छोड़ने जाएगा यहाँ पे। अब मैं इनके साथ साथ बाइक वालों के साथ साथ निकल जाऊँगा, और आगे कोई ऑटो कार कुछ भी जा रही होगी तो उनके साथ साथ ही हो लूँगा, क्योंकि फिर ना वो फिर वहाँ से ना आने का ना ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, एक एक दो दो घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए ना सेफ़ नहीं है यार। एक और नई दिक्कत हो गई है भाई, मैं अपनी ना फॉग लाइट्स ऑन करके देख रहा हूँ तो मेरी फॉग लाइट्स नहीं जल रही है एक तो, ठीक है, एक है मेरा चार्जर की चार्जिंग नहीं कर रहा है मोबाइल होल्डर। इमेजिन करो आप ऐसे जंगल में हो रात को, और यहाँ पे कभी भी हाथी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी जंगली जानवर, तो आप कैसा फील करोगे? सो व्हाट्सअप यू गाइस, कल तो मैं आ गया था टाइम से वैसे तो वापस, और वापस आके बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, थोड़ी देर मैंने एडिटिंग वगैरह करी, रात को डिनर करा, और बस उसके बाद मैं सो गया एज़ यूजुअल। रोज़ यही होता है, मतलब रात को पता नहीं मेरे को ना बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही होती है, क्योंकि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठते मैं एडिटिंग करता हूँ, और जो कि मैं आपको रोज़ नहीं दिखाता हूँ हर व्लॉग में कि मैं सुबह सुबह आपको दिखाऊं कि मैं 4 बजे उठाऊं एडिटिंग कर रहा हूं, बट मैं रोज़ सुबह उठता हूं और रोज़ मैं जल्दी सो जाता हूं अराउंड 9 or 10 के अराउंड, मेरे को 7 बजे के आसपास ही नींद आनी शुरू हो जाती है, पर फिर भी मैं खुद को मतलब जब तक काम करता हूं मैं तब तक मेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं होता गिरने को हो गया, बस उस टाइम मैं फिर डायरेक्ट बस सो ही जाता हूं। तो 9 बजे के आसपास मैं सो गया था, और उसके बाद अभी सुबह हो गई है। आज के जो भी प्लान्स होने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे,
अगर आपने ये वाला व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो अच्छा भी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई डे, बाय बाय बाय, कमेंट जरूर करना।